हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समरीन की रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्की। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने मीठी सॉल्ट ली है, दही ली है जिसे हमने पहले से ही फेंट लिया है, और हरी चटनी ली है। इन दोनों की मीठी सॉल्ट, हरी चटनी और मीठी सॉल्ट, इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हमने मटर ली है, पनीर लिया है, अरारोट लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, चाट मटरा ली है, चाट मसाला लिया है, नमक लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्चें ली हैं, और हमने आलू लिए हैं। ये जो मटर है वो हमने पहले से बॉईल कर लिए। अब हम मटर चम्मच की हेल्प से क्रश कर लेंगे। ये जो हमारी मटर है अच्छे से क्रश हो गई है। हमने पनीर लिया है, पनीर जो लिया है उसे भी क्रश कर लेते हैं। ये पनीर क्रश हो गया है। मटर और पनीर एक साथ मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, ज़ीरा डालें, लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून काला नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें ये भी डाल देंगे अभी। अब ये देखिए, हमारा मटर पनीर जो है वो मिक्स हो गया है। ये हमने जो आलू लिए हैं वो बॉईल कर लिए हैं, इन्हें क्रश कर लिया है बॉईल करके। हमने इसमें चाट मसाला डाला है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काला नमक, अरारोट डाल देते हैं, 4 चम्मच अरारोट लिया है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे खूब अच्छे से मिक्स करना है, इसमें गाँठें नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, हमारा जो आलू और अरारोट है वो अच्छे से मिक्स हो गया। बहुत टाइट भी है, बहुत ज़्यादा मुलायम भी है, स्मूथ भी है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। अब हम इसे गोल गोल पेड़ी की तरह लोई बनाएंगे। इसकी गोल गोल पेड़ बनाने हैं, छोटे छोटे टिक्की बनानी है। मतलब ये देखिए, हमारी गोल टिक्की तैयार हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ा दबा दबा कर थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं हाथ की हेल्प से। ये चिपके ना, इसमें थोड़ा मैदा लगा कर इसे थोड़ा थोड़ा बेलना है, थोड़ा थोड़ा हाथ पे ही तैयार करना है। ये देखिए, हाथ पे तैयार हो गई है, बड़ी सी बनाई है मैंने थोड़ी सी। अब हम इसमें अपना मटर पनीर भर लेते हैं। 1 चम्मच भरिए, 2 चम्मच भरिए, जितना आपको अच्छा लगे उतना ज़्यादा भर सकते हैं। मैं इसमें बहुत सारा भरने वाली हूँ। हमारा मटर पनीर जो है वो अच्छे से भर लिया है। अब हम इसे बंद कर लेते हैं। हम इसे एक साइड से मोड़ेंगे, एक साइड से चिपका देंगे, फिर दूसरे साइड से चिपकाना है, और फिर ऐसे चारों तरफ से इसे चिपका कर गोल करना है, और इसे गोल गोल घुमाकर पूरा चिपका देना है। जब ये पूरी तरीके से गोल हो जाएगी फिर इसे गोल टिक्की शेप देनी है। ये देखिए, हमारी गोल टिक्की शेप हो रही है। ये देखिए, हमारी गोल टिक्की बनकर तैयार हो रही है। ऐसे दबा दबा कर थोड़ी मोटी रखनी है। हम इसे बाद में देख लेंगे, बाद में सही कर लेंगे। ये देखिए, हमारी टिक्की तैयार है। ये देखो, बिल्कुल गोल शेप में बेहतरीन टिक्की तैयार हुई है। पता भी नहीं लग रहा हमने इसमें मटर पनीर भरा है। अब हम इसे दूसरी टिक्की को तैयार कर लेते हैं। दूसरी टिक्की भी ऐसे ही तैयार करेंगे हम, जैसे पहले वाली की थी। इसे भी हम ऐसे ही एक तरफ से मोड़ लेंगे, फिर दूसरी तरफ से, फिर चारों तरफ से मोड़ कर, ऐसे हम इसे चारों तरफ से मोड़ मोड़ कर ऐसे गोल शेप देकर
टिक्की को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारी दूसरी टिक्की भी गोल बेहतरीन बनी है। ये हमारी दूसरी टिक्की भी बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी गोल लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल गोल शेप दी है। हमारी सारी टिक्की तैयार है। हमने इन्हें एक सी शेप दिया, आप चाहें तो बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। ये हमारा पनीर है। पनीर को हमने ऐसे चौकोर शेप में काट लिया है। अब हमें इन्हें फ्राई करना है, तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे जो पनीर हैं वो हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इनके छोटे छोटे स्लाइसेस कर लेते हैं, स्नैक्स स्लाइसेस, बारीक बारीक लंबे वाले। तो ये देखिए जैसे हम स्लाइसेस को लंबे लंबे बारीक बारीक स्लाइस कर रहे हैं, ऐसे ही स्लाइस करने हैं आपको। ये देखिए एकदम स्नैक्स टाइप पनीर वाले स्नैक्स तैयार हैं। तो चलिए अब तवा रख देते हैं। तवा हमने गैस पर रख दिया है, तवा थोड़ा गर्म हो चुका है। अब इसमें तेल डाल देते हैं। इसमें तेल डाल दिया हमने, हमारा तेल गर्म होने तक रुक जाते हैं। हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है बहुत अच्छे से। तो चलिए अब इस पर टिक्की डाल देते हैं। टिक्की जो है वो हमने डाल दी है, दो डाल देते हैं, फिर तीसरी भी डाल देते हैं। अब इन्हें धीमी धीमी आंच पे सेक लेते हैं। ये धीमी आंच पे सेक रही है, तेज़ पे नहीं सेकनी है, तेज़ पे जल जाएगी और हमें टिक्की जलानी नहीं है। थोड़ी कुरकुरी सी फ्राई करनी है मंदी मंदी पे। मंदी आंच पे हमारी टिक्की सिक रही है और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। ये देखिए हमारी टिक्की अच्छे से सिक गई है, बढ़िया बेहतरीन सिक चुकी है। हमने इन्हें दबा दबा कर सेका है, दबाने से थोड़ा अच्छे से सिक जाएंगी, अंदर से भी सिक जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी। तो चलिए अब हमारी टिक्की हम सर्व कर लेते हैं। इसे बीच में से दो कर लेंगे, तोड़ लेंगे। देखिए मटर पनीर दिख रहा है अंदर से, बहुत अच्छी लग रही है देखने में, टेस्टी कुरकुरी। तीनों टिक्की रख दी है हमने यहाँ पर। अब हम इसमें चाट मटर डाल लेते हैं। हमने इसमें अपने 3-4 चम्मच डाल दिए, आपको जितनी पसंद हो आप उतनी डाल सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्चें, जितना स्पाइसी आपको पसंद हो, थोड़ा सा चाट मसाला। और अब हम इसमें डालेंगे मीठी सौंठ। मीठी सौंठ डाल रहे हैं हम। अब हम इसमें डालेंगे दही। अब हम इसमें डालेंगे हरी चटनी थोड़ी सी। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी फिर से मीठी सौंठ, ऊपर से थोड़ी सी और, ये ज़्यादा ज़्यादा पसंद होती है सबको, इसलिए थोड़ी सी और। अब हम इसमें डालेंगे आलू भुजिया, इसे डेकोरेट करने के लिए थोड़ी। अब हम इसमें अपने पनीर के स्लाइसेस लगा देते हैं, पनीर वाले स्नैक्स, इसे डेकोरेट कर लेते हैं। पनीर से ज़्यादा अच्छे डेकोरेट हो जाएगी। ये देखिए हमारी टिक्की तैयार है। हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी पाने के लिए लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।